सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो यार आप सभी को एक गुड न्यूज़ देनी है, जो मेरे लिए भी एक गुड न्यूज़ है कि हम बस 100 सब्सक्राइबर्स दूर हैं उस मार्क को क्रॉस करने के लिए या उस मार्क को टच करने के लिए। तो यार फटाफट जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दो डेली गेमिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए। तो यार जितने भी नॉन सब्सक्राइब व्यूवर्स हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बस 100 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 200 के से। तो यार वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं रेगल टॉस के साथ। तो रेगल टॉस ने रिसेंटली एसजी वाले मैटर पर बात करी एंड उन्होंने ये कहा कि उनको एसजी से कोई मतलब नहीं है एंड ना उनको कोई लेना देना है, तो इस बारे में वो कुछ नहीं बोलना चाहते। तो यार ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दो। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कहते हैं कि वो एग्री करते हैं कि प्रैक्टिस खराब हो रही है। ऑल्सो वो ओआर पर बात करते हैं, ये कहते हैं कि ओआर को अब्यूज मत करो क्योंकि ये गेम का पार्ट है। देखा जाए तो इस हिसाब से सोल भी ओआर की ड्रॉप पर जा रही है क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ वाटर सिटी पर। ऑल्सो वो चर्चा में थगवा में बात करते हैं मावी और वाइपर के बिहेवियर पर एंड ये कहते हैं कि मावी का नेचर उनको बहुत पसंद है, प्लस वाइपर बहुत ज्यादा केयरिंग है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वाइपर नाउ, उन्होंने ये कहा कि रेगा दिल से अपना है, प्लस मावी जो बोलेगा वो ऑन पॉइंट बोलेगा। एंड मावी ने दोनों प्लेयर्स पर ये कहा कि वाइपर का काम नेचर बहुत बढ़िया है एंड रेगल टॉस तो फैमिली है। अब बात कर लेते हैं बीजमाई के बारे में। तो बीजमाई iOS पर जल्दी हमें देखने को मिलने वाला है। एस क्राफ्टर ने रिसेंटली हिंट्स दिए iOS पर लॉन्च होने के एंड क्राफ्टर ने टीज किया विथ अ लाइन की रिवॉर्ड्स हर कोई कलेक्ट कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्पल इमोजी यानी iOS। वेल लुक्स लाइक यू हैव लेस देन अ मंथ, हमें iOS पर गेम देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली मेसी ने बार्सिलोना लीव कर दिया है, जो सैड प्लस शॉकिंग भी है एंड इस पे स्काउट ने बात करी एंड ये कहा कि एक्चुअली ये काफी सैड है, कॉज वो चाहते थे कि वो बार्सिलोना से ही कंटिन्यू करे अपना कैरियर। अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम क्रॉस करने वाला है $1 बिलियन का मार्क प्लेयर स्पेंडिंग में, जो वन ऑफ बिगेस्ट अचीवमेंट होने वाली है कॉडम की। अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन के बारे में। तो वाइपर ने कंप्लीट कर लिए 700K फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। अब बात कर लेते हैं थग के बारे में। तो थग ने रिसेंटली अपना ओपिनियन दिया एसजी वाले मैटर पर एंड ये कहा कि वाटर सिटी ओआर और सोल का क्लैश ड्रॉप है। मीनवाइल एसजी स्कूल और रोजॉक साइड से क्यों थर्ड पार्टी करने नहीं आएगी, किसी भी स्मार्ट टीम का ड्रॉप अगर आसपास है ऐसे ड्रॉप के पास पे दो टीम ऑलरेडी फाइट ले रही है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी करना एक समझदार मूव है। अब बात कर लेते हैं रेवेम कप के बारे में। तो फर्स्टली वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स फॉर द विक्ट्री। सेकंडली टीम टपा टप ये टूर्नी निकाल सकती थी बट विद अ स्लाइट मिस्टेक कह सकते हैं, जिसमें क्लच कॉर्ड का नेट नियो से टकरा करके नियो और उनके ऊपर फट जाता है। इसकी वजह से टीम टपा टप को कहीं ना कहीं एक सैड फेस का सामना करना पड़ा। वेल अ सैड एंडिंग फॉर टीम टपा टप। अब बात कर लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो रिसेंटली डायनेमो ने अपडेट दिया कि उनका बीच में अकाउंट बैन हो चुका है। एक्चुअली में जब वो मॉस्को में थे तो उन्होंने सोचा थोड़ी देर बीजमाई खेलने का, बट वो भूल गए थे कि यार ये बीजमाई है पबजी नहीं एंड बीजमाई सिर्फ इंडियन नेटवर्क से चलेगा। जब उन्होंने गेम ओपन किया तो उनकी आईडी बैन हो गई, बट उन्होंने ऑल्सो अपडेट दिया कि आज में आईडी अनबैन भी हो जाएगी एंड नहीं भी हुई तो कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्लच गॉड के बारे में। तो रिसेंटली क्लच गॉड जब ऑन स्ट्रीम अपना वाईफाई स्विच कर रहे होते हैं तो ऑन स्क्रीन गॉड लाइक बूटकैम का वाईफाई दिख जाता है एंड फिर क्लच गॉड हंसने लगते हैं एंड अपोजिट टू दैट क्रॉन्टन ऑस्कर विनिंग एक्ट करते हैं यार ये छुपाने की कि XTSM इज नॉट जॉइनिंग गॉडल। क्रॉन्टन ऑल्सो नियो ने भी यार एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने टीम टपाटप विजिटिंग गॉडल बूटकैंप व्लॉग #1 शेयर किया एंड यार हेडफोन्स पहन करके व्लॉग देखना वरना उड़ता हुआ बेलन और उड़ती हुई चप्पल आ सकती है। खैर अब बात कर लेते हैं मर्सी के बारे में। तो मर्सी की तरफ से जल्दी कोई ना कोई जॉ ड्रॉपिंग कॉन्टेंट हमें देखने को मिलने वाला है, लेट्स सी वो क्या होता है एंड आई गेस इट इंक्लूड्स स्काउट इन इट एज वेल। अब बात कर लेते हैं बैटलफील्ड मोबाइल के बारे में। तो बैटलफील्ड मोबाइल गेम की बीटा टेस्टिंग जल्दी इस साल के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है एंड ईए ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया कि बैटलफील्ड 2042 के ट्रेलर ने 200+ व्यूज क्रॉस कर लिए हैं, विच मींस कि बैटलफील्ड मोबाइल जल्दी रोल आउट होते हुए नजर आएगा, यानी कि हमें अपने डिवाइसेस पर 2022 में ऑफिशियली बैटलफील्ड मोबाइल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स के बारे में। तो बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स ने अपनी ऑफिशियल बीचमाई लाइनअप रिवील कर दी है, जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं थक के बारे में। तो थक 2-3 दिन का ब्रेक लेने वाले हैं, सडन वेदर चेंज की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी लो चल रही है। अब बात कर लेते हैं नेट ईस्ट के बारे में। नेट ईस्ट कंपनी ने रिसेंटली एक मोबाइल गेम जिसका नाम है प्रोजेक्ट एम लॉन्च किया, जो डिटो वैलोरेंट की तरह है। वेल बट ये गेम इंडिया में बैन रहेगा बिकॉज इंडिया में नेट ईस्ट कंपनी बैंड है। अब बात कर लेते हैं पंक के बारे में। तो लेट्स सी कि यार पंक और ईस्पोर्ट्स एक्सो की तरफ से कौन सी और क्या अनाउंसमेंट देखने को मिलती है जल्दी। अब बात कर लेते हैं गॉड निक्सन के बारे में। तो गॉड निक्सन ने अपडेट दिया कि इस महीने उनकी 12 वीडियोस आएंगी एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस ये मंथ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक ट्विच स्ट्रीमर जिनका नाम है गर्ल फाइटर उनके बारे में। तो रिसेंटली एक ट्विच स्ट्रीमर है जिनका नाम है गर्ल फाइटर, जब वो लाइव होती है तो उनके घर में एक इंट्रूडर आकर के उनका सेटअप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, बट आफ्टर द होल इंसिडेंट उन्होंने अपडेट दिया कि सब परफेक्टली बैक टू ट्रैक यानी फाइन है एंड मिडिल का सीन आप ऑन स्क्रीन पढ़ सकते हो डिटेल्स में, क्योंकि यार वो क्लिप को काफी सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। तो बस यार यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, प्लस यार बस 100 सब्सक्राइबर रिमेनिंग है 200K के मार्क को हिट करने के लिए, तो फटाफट यार सब्सक्राइब कर दो जिसने भी अभी तक नहीं करा है। बाकी यार मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना रेक्स साइनिंग ऑफ।